मैं शालिनी हिंदुस्तानी जायका से आज आपको शालिनी की रसोई में ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो गुड़ लिया था और एक कप पानी। एक कप पानी मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी, तब तक गुड़ को मैं तोड़ लूँगी। ये गुड़ तोड़ चुकी हूँ, इधर मेरा पानी भी बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं गुड़ को ऐड कर दूँगी और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए हमारा, जब तक गुड़ मेल्ट होता है तब तक मैं आटा लगाऊंगी। यहाँ मैंने 5 कप आटा लिया है और लौंग और इलायची को मैं क्रश कर ली हूँ और उसको यहाँ ऐड कर दूंगी। और मैंने 1/2 कप से ज़्यादा घी लिया है, उसको इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से हमें इसे मिला लेना है। इसे हमें चेक करना है कि ये मिला है कि नहीं। इसे हमें हाथ में गोल करके देखूंगी। ये देखिए आटा जो है बनने लगा है, मतलब कि हमारा आटा मिल गया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालूंगी और इसे अच्छे तरीके से सानूंगी। सानने में हमें पूरा गुड़ लग चुका है। ये देखिए हमारा आटा गूंथकर रेडी हो गया है। अब मैं इसकी एक अच्छी सी लोई बनाऊंगी। लोई हमें मीडियम बनाना है, ऐसे आप अपने इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे लोइयाँ काट कर रेडी कर ली है। आपके पास ठेकुआ का साँचा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अगर साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से भी किसी भी चीज़ पे इसे इस तरीके से ठोक कर आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे ठेकुआ ठोक कर रेडी कर ली है। इधर मैंने घी गर्म होने के लिए रखा था, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक एक करके सारे ठेकुआ को डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ठेकुआ जो है अंदर तक हमारा बनकर रेडी हो जाए। बीच बीच में मैं हिलाते रहूंगी ताकि ये नीचे से जले नहीं, सब तरफ से बराबर लाल हो। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। ये देखिए हमारा ठेकुआ ऑलमोस्ट पककर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे ठेकुआ को तलकर रेडी कर लूँगी। फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।